चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों आपका पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्या था ये आपको पढ़ाया था। इसके बाद हम लोग कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो हमारे संविधान के फीचर्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें वी आर ऑन द थर्ड फीचर सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, जब किसी व्यक्ति के सिंगल हाथ में यानी एक चक्रीय शासन होता है, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाती है बच्चों, तो वो राजाशाही कहलाती है। और उसमें कहीं भी कभी ऐसा होता है बच्चों के लोगों के वेलफेयर के लिए एक आदमी सोच सकता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं सोच सकता, वो अपने हित के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जितनी भी शक्तियां संविधान ने जो हमारे गवर्नमेंट को दी है उनमें सब में जो पावर जैसे सबकी शक्तियां हैं उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं देखने को मिलती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा मैंने स्कूल का एग्जांपल बताया था बच्चों, उसी तरीके से आगे आपको बताऊंगी कि हमारे संविधान ने पूरी जो गवर्नमेंट है उसको तीन अलग अलग विभागों में बांट दिया है, तीन मेजर सेक्शंस कर दिए। थ्री ऑर्गन्स, दे आर नोन एज द थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। तीन अलग अलग विभाग है आप ये कह सकते हैं। जैसे हम स्कूल को मान लीजिए डिवाइड करें कि मान लीजिए प्रिंसिपल सर रहते हैं, फिर इंचार्जेस रहते हैं और टीचर्स रहते हैं, ये मेन थ्री ऑर्गन्स हैं स्कूल को चलाने के लिए। तो इसी तरीके से हमारे देश को गवर्न करने के लिए देर आर थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों उनको? लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तीन अलग अलग सेक्शंस हैं। अब हम लोग बच्चों एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या इनके पावर्स हैं वो। दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। अब लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ें। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कंस्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है कुल मिला के बच्चों? कुल मिला के जितने भी प्रतिनिधि मंडल होता है लेजिस्लेचर, जितने भी प्रतिनिधियों को हमने चुना है थ्रू इलेक्शन, वो एक अपना आप ये कह सकते हैं कि एक अपना ग्रुप बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर कहलाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, जो हम लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है, हमने जिनको चुना है, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर कहलाता है वो। आगे, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कंस्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। दिस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एज इट मेक्स ऑल यूनियन लॉज एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव्स। अब इनका क्या है? जितने भी देश के नियम कायदे कानून है, किन चीजों को लेके बच्चों? देश को गवर्न करने के लिए, तो वो ये सब मिलके इनको देखते हैं, प्लस के ये एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल भी रखते हैं। एग्जीक्यूटिव्स क्या है ये आपको बाद में बताएंगे। ये लेजिस्लेचर जो होते हैं बच्चों, हमारे चुने गए प्रतिनिधियों का मंडल है, ये बाद में एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल रखते हैं देश के लिए जो भी, वो ये देखते हैं कि देश संविधान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, देश में जो कायदे कानून है वो लोगों की वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए है या नहीं, ठीक है। और इन केस कहीं ऐसा उन्हें कहीं कुछ नजर आता है लूप होल, तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग एग्जीक्यूटिव्स की। तो एग्जीक्यूटिव्स क्या काम करते हैं? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जीक्यूटिव्स। देखिए, यहाँ पे देश को चलाने के लिए सारे कायदे कानून नियम डिसाइड होते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद वो सारी योजनाएं बनती है देश को चलाने के लिए, अलग अलग प्लानिंग होती है, वो सब यहाँ तैयार होती है लेजिस्लेचर के पास। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है बच्चों? एग्जीक्यूटिव का मतलब आपको मिला के समझ सकते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। तो वो मंत्री अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, मैंने आपको बताया था बच्चों, खेल मंत्री होते हैं, खाद्यान्न मंत्री होते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिनिस्टर होते हैं। तो अलग अलग जो मंत्री होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं बच्चों। एजुकेट करना, उस दिए गए काम को आगे बढ़ाना और इसको पूरा करना इनका काम है। तो यहाँ जो सारे प्लानिंग डिसाइड होती है ये इनको पूरा करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग यानी लागू करना, पूरा करना काम, इम्प्लीमेंटिंग द लॉज एंड एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री, सारे कायदे जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम, जो प्लानिंग देश के लिए तैयार की गई है, उसको ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, और उसके बाद उन सारे प्लान्स को वो, ताकि सक्सेसफुली देश में चलाए जा सके और उन प्लान्स के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हमारा देश जो है वो प्रोग्रेस करे, ग्रोथ करे, वो देखना इनका काम है ना बच्चों। तो इनके लीडर जो होते हैं बच्चों वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं वो इनके लीडर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स के। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। अंडर द गाइडेंस एंड द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जुडिशरी, जुडिशरी की बात करें बच्चों तो जुडिशरी एक बिल्कुल सेपरेट ऑर्गन है इन दोनों से, इन दोनों की ये और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों डिपार्टमेंट के थ्रू ये वर्क नहीं करता। जुडिशरी जो है वो एक अपना अलग स्वचालित एक ऑर्गन है जो हमारे संविधान के तहत बनाया गया है। न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं बच्चों, इसको जुडिशरी को हम हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब खुद से चलने वाला, ठीक है, इनका कोई प्रेशर इसके ऊपर नहीं चल सकता है। ऑटोनोमस ऑर्गन्स दैट एंश्योर लॉस एंड रूल्स, ऐसा स्वचालित ऑटोनोमस ऑर्गन है, ऐसा भाग है जो अपने आप से चलता है, जिसके अपने कायदे कानून है। जुडिशरी इट इज एन ऑटोनोमस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंश्योर दैट लॉस एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर प्रोटेक्टेड। उनकी एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है जुडिशरी का, कि जितने भी लॉज एंड रूल्स जो हैं वो अपने आप से चले, वो इंश्योर करते हैं कि हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए वो हमें प्राप्त हो, देश के जो भी कायदे कानून हैं उसको उसको हमें प्राप्त करने में या उसके तहत लोग चलें, कहीं उनका उल्लंघन ना करें और देश में कहीं अशांति व्याप्त ना हो, ये सब देखना जुडिशरी का काम है, न्यायपालिका कहलाता है बच्चों ये। ठीक है, इवन जुडिशरी कैन कीप वॉच इन दोनों के ऊपर भी, जुडिशरी कैन कीप वॉच ऑन बोथ ऑफ देम, इनके ऊपर भी जो ये यदि कहीं गलत करते हैं तो भी न्यायपालिका को पूरा अधिकार है बच्चों कि वो उनको कोर्ट में बुला सकते हैं और उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो जुडिशरी एक अपना अलग डिपार्टमेंट है, न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं। इट इज ऑल्सो डिसाइडेड ऑन एनी इश्यू अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी का मतलब ही न्यायपालिका है और जिसका काम ही न्याय देने का है। यदि यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है बच्चों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और किसके बीच में बच्चों कहीं कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को भी न्यायपालिका ही सॉल्व करती है। आगे बच्चों अच्छे से बच्चों आपको समझना, हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, ऐसे बच्चों पिरामिड के जैसे चलता है, यदि आप समझना चाहें तो इस तरीके से होता है, एक पिरामिड होता है बच्चों। ठीक है, जुडिशरी एक अलग सेक्शन है, लेजिस्लेचर अलग सेक्शन है, ये तीन अलग अलग सेक्शन है जो मिलके पूरे देश को चलाते हैं, तीन अलग अलग सेक्शन है, पिरामिडिक सिस्टम है जिसमें ये तीनों अलग अलग सिस्टम जो है ऑर्गन्स वो देश को मिलके चलाते हैं। तो आगे बात करेंगे बच्चों यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है बच्चों। बच्चों ये जो चीजें हैं ये हमारे बेसिक नॉलेज की हैं, हमारे देश के बारे में है, तो यू शुड नो देम थरली, आपको बहुत अच्छे से इनको जानना है और समझना भी है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज द एसेंशियली मीन्स वन पर्सन वन वोट। बहुत जरूरी मीनिंग इसका बताते हैं, जो बेसिक मीनिंग है वन पर्सन वन वोट। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बच्चों आप मत देने का अधिकार समझ सकते हैं। कैसे? वन पर्सन वन वोट। यदि भारत की हम बात करें बच्चों तो एक व्यक्ति है वो एक ही वोट देता है। ठीक है, एक ही मत देने का आपको अधिकार है, उस आपके मत की वैल्यू भी बनी रहेगी। तो ये बेसिक डिसाइड किया गया हमारे संविधान में। ठीक है, तो पढ़ते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द एसेंशियली मींस वन पर्सन वन वोट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज 18 इयर्स और अबव एज। क्या क्राइटेरिया है, आप किस उम्र में मतदान कर सकते हैं? भारत में 18 इयर्स ऑफ एज में आप मतदान कर सकते हैं, यानी जब आप 18 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, आप अडल्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो मतदान देने का जो आईडी है वो बनता है, पहचान पत्र जिसको हम कहते हैं बच्चों, या आधार कार्ड है, आधार कार्ड तो पहले भी बन जाता है, लेकिन जो पहचान पत्र है वो बनता है बच्चों, जिसके बेसिस पे आप वोट दे सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप इतने समझदार हैं कि आप देश में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए एलिजिबल हैं। तो 18 वर्ष की आयु में भारत में जो एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। भारत में एक व्यक्ति के वोट की वैल्यू वन वोट है। हैव अ राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन स्टेटस एक्सेट्रा। अब
बच्चों इसमें यहाँ पे आप 18 वर्ष की आयु को जब क्रॉस करते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस जाति के हैं, गांव से हैं, शहर से हैं, आप एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, कोई इससे लेना देना नहीं है बच्चों। ये सबके यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब यही होता है बच्चों, जो मतलब पूरे भारत में इस रूल को लागू किया गया है, जो भारत की जो टेरिटरी है, भारत की जो बाउंड्रीज है, उसके अंदर कंप्लीट सभी नागरिकों के लिए ये रूल अप्लाई करता है। तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज समझ में आ गया होगा कि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भारत के नागरिक को जो मत देने का या वोट देने का जो अधिकार प्राप्त होता है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है बच्चों। इसके बाद हमने इस क्लिप में पढ़ा है सेपरेशन ऑफ पावर, थ्री ऑर्गन्स आर देयर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। आप इनको बच्चों एक बार अच्छे से पढ़िएगा और आपको आई होप कि इंटरेस्ट से पढ़ेंगे बच्चों तो आपको समझ में भी आएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।